इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं बड़े दुखी हृदय से, दुखी मन से कर रहा हूं। डेवलपमेंट शहर में हो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। समय समय पर आबादी के बढ़ते हुए परिस्थिति को देखते हुए शहर में बहुत सी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, जिसके कारण से बहुत से लोगों को रिहैबिलिटेट भी करना पड़ता है। हम इस डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं शहर में डेवलपमेंट हो, लेकिन इसके साथ ये भी चाहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति इस चीज का, जिसके कारण से उसकी रोजी रोटी छीनी जाती हो, उसके साथ ही इंसाफ होना चाहिए। मैं भी प्रशासन में बहुत देर रहा हूं, एक मेयर के नाते भी मैंने काम किया है। मुझे याद है, अगर शहर के सौंदर्यकरण के लिए हम कोई काम करते थे, उन लोगों को पहले बसाया जाता था। इससे पहले भी बहुत सी गांधीनगर में हमने रेडीज जो जगह जगह पर लगती थी, उसके लिए रेडी जोन बनाया था, जिसके कारण से बहुत से लोगों का बढ़िया रोजी रोजगार आज चलता है। काफ़ी समय से नई बस्ती का जो हमारा चौक है, सतवारी का चौक है, उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, होना भी चाहिए। हम उसके ना तो हमारे ये जो सारे दुकानदार मेरे पीछे खड़े हैं, ना तो ये इसके खिलाफ हैं, लेकिन 60-60 साल से बैठे हुए लोग, क्या कोई सरकार हो या प्रशासन हो उनकी रोजी रोटी छीन लेगा? 60 साल बाद जो उनके दुकान पर लोग काम करते हैं, उनके सहारे पलते हैं, क्या उनकी रोजी रोटी छीनी जाएगी? हमें ऑफर दी जाती है कि 40,000 ले लो या 50,000 ले लो, क्या 40,000 से किसी व्यक्ति का परिवार चलता है पूरे जीवन के लिए? हमने कुछ नहीं मांगा इससे, बार बार प्रशासन के ध्यान में लाया गया है, लेकिन क्या आप इन लोगों को जो 60 साल से बैठे हैं, हमारे पास कागजात हैं, जो अलॉटमेंट हुई है, कुछ लोग हैं जिनको किराया लगा हुआ है, लेकिन हमने बार बार प्रशासन से एक ही दुहाई लगाई है कि कम से कम इन लोगों को कुछ जगह दीजिए, 8-10 के क्योस्क ही दे दीजिए, इनको जगह दीजिए, ये अपने क्योस्क खुद बना लेंगे। लेकिन बार बार कहने पर ये कुछ कल रात को आकर के नोटिस इनकी दुकानों पे लगा दिए गए, और आज इनको लास्ट दिन बता करके कि इनकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी। मैं इसको इंसाफ नहीं मानता। एक तरफ भारत सरकार की तरफ से बहुत से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं हाउसिंग पर, आल जिन लोगों के पास मकान नहीं है, हम उनको मकान दे रहे हैं। वो लोग जो पूरे हाईवे पर बसे हुए हैं, उनको अच्छा मुआवजा दिया गया है। और जो यहाँ तक कल मुझे जो नोटिस आया है, उसको मैं ये बताना चाहता हूँ, नोटिस में लिखा गया है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे फेलिंग विच फर्दर एक्शन इन दिस रिगार्ड विच शैल बी इनिशिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट। एक तरफ तो मैं ये मानता हूँ, कुजवानी से जो रास्ता कटरा की तरफ से चला गया, एक्सप्रेस हाईवे तो वो है, अगर ये इसको भी आप उसका हिस्सा मानते हैं, तो इन लोगों को जिन्होंने कुल मिलाकर के 11 मरले, जिसमें से 39 लोग अपनी रोजी रोटी के लिए बस जाते हैं। सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है। आज यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल का रूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, लेकिन हम उनसे उम्मीद करते हैं, चीफ सेक्रेटरी हमारे जम्मू के हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं, क्या इन पर कोई नई पॉलिसी नहीं बन सकती? हमने अफसरों ने हमें ये कहा कि इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसीज होती नहीं है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जनता के हित के लिए बनाई जाती है, और क्यों नहीं बनाई जाएंगी? आप आज मैं ऐसी सैकड़ों जगह देख सकता हूँ जहाँ पर लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके बैठे हुए हैं, जहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रही है, क्या उस इंक्रोचमेंट को हटा करके, मैं किसी के खिलाफ नहीं जाता हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जो हमने आइडेंटिफाई करके बताई भी गई है, उनके ध्यान में लाई है, क्या वहाँ पर
छोटे से कियोस्क बनाकर इनकी रोजी रोटी का जो मसला है हल नहीं किया जा सकता। मैं आपके माध्यम से ये कहता हूं कि इस पर विचार किया जाए, पुनर्विचार किया जाए, बार बार विचार किया जाए। अगर आप 40,000 दे करके आप सरकार कोई मजबूर बैठी है बड़ी कि यहां पर इनको मुआवजा नहीं दिया जा सकता या 11 मरले जगह नहीं दी जा सकती, बड़े बड़े एनजीओ को जो किसी खाते में नहीं आते उनको जगह की अलॉटमेंट होती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज का फायदा लेते हैं प्रशासन से, ये तो एक्चुअल वहां पर बैठे हैं। ये देखिए मेरे पीछे एक व्यक्ति खड़ा है जो जूती गांठ करके मोची 17 लाख का उस पर लोन है, कैसे वो खत्म करेगा इस लोन को? कोई साधारण वहां पर पान बीड़ी की दुकान लगाता है, उसने भी कोई लिमिट ले रखी होगी। इस प्रकार के बहुत से ऐसे लोग हैं, कोई मीट की दुकान करता है, सुबह अपनी वहां से सामान लाता है मंडी से और शाम को उसको बेच करके अपने घर का जीवन यापन करता है। सरकार भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस प्रशासन के लोगों से रुष्ट है। हम नहीं चाहते कि जम्मू के लोगों को इस प्रकार से उखाड़ा जाए। जो पुराने लोग हैं, किसी के बाप दादा यहां पर दुकान करते थे, आगे उनका बेटा करने लगा, आगे उसका बेटा तैयार बैठा है कि यहां पर काम करने के लिए, आप रोजी रोटी छीन लोगे ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपके पास कुछ नहीं है, सरकार के पास बहुत सी ऐसी आपदाएं आती हैं, जब वहां पर लोगों को एकदम से एक्शन लिया जाता है, उनको बसाया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है। अगर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, हम ये कहते हैं, हम भी जनता से अपील करेंगे कि हमारी सरकार, ये प्रशासन बैठा है हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं है, हम लोगों के पास भीख मांगने जाएंगे, एक ऐसा फंड क्रिएट करेंगे जो इन लोगों का जीवन यापन करने का प्रयास करें। इसलिए मैं, मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है जो लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। इन सभी लोगों का सोचिए, जिनके परिवार, जिनके आज चेहरे पर रौनक खत्म हो गई है, कई दिन से परेशान बैठते हैं, रात को नींद नहीं आती है इन लोगों को, कब इनकी सामान और प्रशासन इनका सामान उठा करके बाहर फेंक देगा, ये कर देगा, वो करके कर देगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं फिर हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ सभी अपने लोगों के लिए कि कम से कम होश करिए, सिर्फ जोड़ करके बैठिए, कुछ ऐसा तरीका निकालिए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाइए जो जनता के हित में हो, ना कि जनता के खिलाफ हो।